रजनीश, विपक्ष को बड़ा झटका 23 तारीख से पहले, क्या कुछ कहा है इलेक्शन कमीशन ने इस पूरे मसले पर? देखिए, आधिकारिक तौर पर चुनाव आयोग ने अभी कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन चुनाव आयोग के सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि बैठक में ये तय हुआ है कि जो वीवीपैट और ईवीएम के जो वोट हैं उसकी काउंटिंग, उसका जो मिलान है वो पूरी काउंटिंग के बाद होगी। विपक्ष के तमाम लोग ये मांग कर रहे थे कि इस जो पांच अलग अलग एक असेंबली सेगमेंट के पांच अलग अलग पोलिंग स्टेशन के वीवीपैट को रैंडमली सेलेक्ट किया जाए और उनको मैच किया जाए, मैच करने अगर मैच हो जाते हैं तो उसके बाद मतगणना की प्रक्रिया शुरू हो। इस मांग को चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया है। तर्क ये दिया जा रहा है कि ऐसा करने से इलेक्शन का जो प्रोसेस है, जो काउंटिंग की जो प्रक्रिया है वो बहुत धीमी हो जाएगी और नतीजा आने में बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ सकता है। हो सकता है 23 की बजाय 24 या 25 तारीख को या उससे भी आगे ये चला जाए, तो इसको चुनाव आयोग ने गंभीरता से नहीं लिया है। विपक्ष की मांग को कल विपक्ष की 23 पार्टियों के तमाम जो बड़े नेता हैं वो चुनाव आयोग के पास गए थे। चुनाव आयोग जाने से पहले अलग से एक बैठक कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुई थी और उसमें ये मांग, एक सार्वजनिक चिट्ठी लिखी गई थी, एक मेमोरेंडम बनाया गया था कि चुनाव आयोग ये स्पष्ट करे, ये सुनिश्चित करे कि ये पांच अलग अलग पोलिंग स्टेशन के वीवीपैट को मैच करने का काम पहले हो। अगर उसमें किसी तरह की कोई अनियमितता नहीं होती है, मैचिंग अगर 100% एक्यूरेट होता है तो मतगणना आगे किया जाए और उसमें जो भी नतीजा आएगा उसे विपक्षी पार्टियां मानेंगी। लेकिन अगर मैच मिसमैच होता है, यानी कि पांच अलग अलग पोलिंग स्टेशन के जो वीवीपैट की जो पर्चियां हैं उसमें मिलान में अगर गड़बड़ी शुरू में ही हो जाती है तो ये मांग की गई थी तब पूरे इलेक्शन के दौरान जितने भी वीवीपैट आए हैं उनको मैच किया जाए ईवीएम की वोटिंग से। तो ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग को लगता है कि बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा और चुनाव का रिजल्ट आने में, मतलब वो उम्मीद नहीं की जा सकती कि कितना ज़्यादा डिले होगा। तो इसी को आधार बनाया है चुनाव आयोग ने। चुनाव आयोग के सूत्र इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि इस मांग को खारिज कर दिया गया है। थोड़ी देर में आधिकारिक जानकारी चुनाव आयोग के हवाले से भी आ जाएगी। बिल्कुल, इस पूरे मसले पर कहीं कोई स्टेटमेंट आया है? जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने जो वीवीपैट मिलान की जो पूरी प्रक्रिया थी उसको खारिज कर दिया, उसके बाद राहुल गांधी या अन्य कोई दलों के नेता की ओर से कोई स्टेटमेंट? रजनीश, देखिए, तुरंत अब से मुश्किल से 5 मिनट पहले ये जानकारी सबसे पहले हमारे पास आई है। अभी जब पब्लिक डोमेन में ये पूरा मामला आएगा, चुनाव आयोग आधिकारिक तौर पर जब इस मामले को लेकर स्टेटमेंट जारी करेगा तब विपक्ष के लोग इस पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब से थोड़ी देर पहले राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है, कांग्रेस के लोगों को उन्होंने आह्वान किया है, अपील किया है। कल प्रियंका गांधी ने जो ऑडियो मैसेज रिलीज किया था उसी को टेक्स्ट मैसेज के तौर पर राहुल गांधी ने अपने कार्यकर्ताओं से ये अपील की है कि वो इन एग्जिट पोल के भरोसे में ना रहें और वो पूरी तरह से मुस्तैद रहें, ईवीएम और वीवीपैट जहां पर रखे गए स्ट्रांग रूम वो उसके आसपास में रहें और चुनाव नतीजे उनके पक्ष में आएंगे। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो या विपक्ष के तमाम लोग आत्मविश्वास जरूर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस आत्मविश्वास के पीछे ईवीएम एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है, एक बहुत बड़ी कड़ी है। उस पर चुनाव आयोग ने जो फैसला लिया है उसके बाद विपक्ष क्या रुख अख्तियार करता है ये देखने वाली बात है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश जानकारी देने के लिए। तो